प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का हर दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है और सावन की शिवरात्रि पूरे सावन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज है सावन की शिवरात्रि और आज के कार्यक्रम में हम आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे कि सावन की शिवरात्रि पर कौन से उपाय किए जाएंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि उनका दिन आज कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। शिवरात्रि पर अगर आप महादेव की उपासना करते हैं तो जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की दो शिवरात्रियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन की शिवरात्रि। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कांवर में जल भर करके ले आते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि का जो संयोग है वो आज के दिन बना हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम का बोझ कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। आज शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें तो आज के दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि आज जो सावन की शिवरात्रि है, इस दिन भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे। सबसे पहले आज स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा, भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, धूप, दीप, नैवेद्य ये अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करिएगा और उनके मंत्रों का जप करिएगा। वैसे तो आज सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा रात की होती है, इसलिए आज मध्यरात्रि में
शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा, इसके बाद रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करिएगा। अगर आप चार पहर की पूजा करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद अर्पित करिएगा। हर पहर में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें और वाहन चलाने में सावधानी रखें। शिव मंत्र का अगर जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आज सावन की शिवरात्रि पर कौन से विशेष प्रयोग आपको करने चाहिए। आज रात के समय में धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आज रात में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करिए। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और फिर धन प्राप्ति की प्रार्थना करिए। मध्य रात्रि में आज ये छोटा सा प्रयोग करेंगे, आपकी धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। संतान के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अगर संतान की प्राप्ति करनी है आपको, तो शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी अर्पित करिए, फिर जल की धारा अर्पित करिए, फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, धन की रुकावट दूर होगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी आपकी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, बड़े धन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। अगर आज शिव मंत्र का जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें,
या जल में गंगा जल मिलाकर अर्पित करें, भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर आज दिन में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।